गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। फिर से हम पढ़ रहे थे टॉपी शुक्ला है, टॉपी शुक्ला पाठ पढ़ रहे थे और हम आ गए थे पेज नंबर 35 पर, जहाँ पर क्या नाम से उसकी दादी के बारे में कहा जा रहा था कि दादी उसको कहानी सुनाई करती थी और कहानी अपने अच्छी सुना करती हो कि मैं आंखों देखी नहीं करती, कामिक सुनी सुनाई बात आप करती हूँ, एक मुल्क में एक बादशाह आता एक राजा था, इस प्रकार से कहानी सुनाई करती थी। तो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती थी भाषा, बड़े प्यार से, बड़े गौर से, बड़े ध्यान से वो उसकी कहानी को सुना करते थे। तो हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 35 पर। दादी की भाषा पर वो कभी नहीं मुस्कुराया था। दादी जैसी बोलती थी, बहुत से होते बच्चे दादी होती थी तो भाषा में बोलती है, दूसरी भाषा में बोलती है जिसको हम समझते नहीं है, या हम समझते हैं लेकिन समझ नहीं आती है तो फंसते हैं, लेकिन इफन कभी भी उसकी भाषा पर मुस्कुराया नहीं। उसे तो अच्छी भी लगती थी, अर्थात जो भी भाषा बोलती थी उस भाषा को बड़े आसानी से समझ लेता था, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते। अब्बू कहते थे कि कौन सी भाषा बोलती है तू, और क्या नाम से दादी के साथ तुम बैठा उठा कर दादी के साथ इस तरह की भाषा बात मत किया कर, क्योंकि आजकल तो नए जमाने के बच्चे हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और अंग्रेजी में और हिंदी बोलने वाला बच्चा इस प्रकार की भाषा बोलेगा तो अच्छा नहीं है। और जब वो दादी से इसकी शिकायत करता तो हंस पड़ती है, वो कहता है कि मैं आपकी कहानी सुनता हूँ, आपकी बात से बातें करता हूँ, तो अब वो मुझे डांटते हैं, अब तुम मुझे रोकते हैं, तो ऐसे जब कहता है तो क्या नाम से दादी हंस जाती है। मोरा का है बेटा, अब मेरा क्या है बेटा, अनपढ़ गंवारन की बोली तुम काहे को बोलने लगी हो, अर्थात मैं तो अनपढ़ हूँ और गाँव की भाषा बोलने वाली हूँ, अर्थात गाँव की भाषा बोलने वाले की भाषा तो क्यों बोलता है, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो, अर्थात जो अब्बा है तुम्हारे पिताजी है, जो भाषा वो तुमसे बोलते हैं उसी भाषा में तुम बोल। बात खत्म हो जाती है और कहानी शुरू हो जाती है, इस प्रकार से बात को खत्म कर देती और वापस जो कहानी अपनी है उसको शुरुआत कर देती। तो बादशाह का किस की तुरंत एक ठो हिरन मार लिया हो, अर्थात उस तरह की कहानी हमारी भाषा में, जो बादशाह था और हिरन मारने गया था और हिरन मारने के लिए क्या गया, यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी, अर्थात जो भाषा वो बिहार की भाषा बोलती भाषा, जो भी भाषा बिहारी वो भी भाषा उसको बोलती थी, वो भाषा क्या नाम से इफन के दिल में उतर गई थी, तो उसके टोपी के दिल में उतर गई थी, टोपी इसके साथ कहानी सुनता था। इफन की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी का की दिखाई दी, इफन की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी, अर्थात टिप्पणी दादी तो थोड़ी टोपी की दादी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, थोड़ी सख्त थी उसके प्रति है, लेकिन माँ थोड़ी इतनी नहीं थी, तो उसको कहा कि भाई माँ से थोड़ी सी अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, अर्थात नफरत करता था उसकी दादी भी उसे नफरत करती थी, कहाँ जाता है, कौन किसके साथ रहता है, कौन तेरे दोस्त है, कैसी भाषा बोलता है, आदि आदि नफरत, जाने कैसी भाषा बोलती थी, अर्थात भाषा बोलती है बात करती है। इफन के अब्बू और उसकी भाषा एक ही थी, इफन जो है वो जो भाषा बोलता था अबू उस वही भाषा बोलती थी। जब वह जब इफन के घर जाता, अर्थात इफन के घर जाता, उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता, अर्थात दादी के पास बैठता, उसकी बातें करता, पूरा घर में गया था वो, दादी उसको अच्छी लगती थी, उसको अपनी दादी से ज्यादा प्यारी इफन दादी लगती थी। इफन की अम्मी और बाजी से बातचीत करने की कोशिश ही नहीं करता, अर्थात इफन की माँ से और उसकी जो बहन है उससे बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती, कभी कोशिश भी नहीं की उसने। वे दोनों अलबत्ता बल्कि उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ दी, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी भी बचाव करवा लेती, बोलती थी खुद बोलता भाषा है, उसको बोलने के लिए उसकी अम्मी और बाजी उसको छेड़ती है, तो इस प्रकार से बातचीत में बताई जाती है। ते काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, अर्थात तुम उनके पास भी जाते हो पिटने के लिए झाड़ू मारे, चलिए इधर आए तू इधर आ जा, वह डांट कर कहती है, इस प्रकार से वो डांट करके उसको अपने पास बुला लेती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता जो भी बोलता है, तो वो शब्द उसके लिए एक शक्कर खिलौना है, अच्छा लगता है, वैसे जाती है अमाउंट बन जाता है, अमाउंट होता है पके आम का, ये रस को उसको अगर बनाई गई मिठाई, तो बोलते हैं मोटी परत पके जो आम होगा उसको
रस निकाल लो और सुखा लो, सुखा की मोटी बस बन जाती है, उसको बोलते हैं अमावर, बन जाता तिलवा, बन जाता तिल का लड्डू होता है, तिल से बने हुए व्यंजन तिलवा। और वह चुपचाप उसके पास चला जाता, वापस वो दादी के पास आ जाता। तो ये अम्मा क्या कर रही है और उससे पूछता, टोपी से पूछता है कि तेरी अम्मा क्या कर रही है, क्या काम हो रहा है। उससे आप जाते वो भाई टोपी आ गया, तू कैसा है, क्या है, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, अम्मा क्या कर रही है। दादी हमेशा से यही बात शुरू करती है, दादी इसी प्रकार से पूछती उससे और यही से उसका सवाल जवाब शुरू हो जाता है। पहले तो वो चकरा जाता कि अम्मा क्या होता है, नहीं अम्मा क्या होता है, मैं बोलता अम्मा क्या होता है। फिर वो समझ गया कि माता जी को ही अम्मा कहते हैं, अर्थात अम्मा यानी माँ, वो घर में माँ बोलता है, हिंदू है अम्मे वगैरह नहीं बोलते वहां पर, तो अम्मा का मतलब होता है माँ, अम्मा क्या कर रही होगी। ये सब उसे अच्छा लगा, अर्थात उसने जब सुना उसने अम्मा, तो अम्मा अम्मी तो बड़ा अच्छा लगा उसको। अम्मा वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुपलाता था, अम्मा अम्मा बोलता रहा, इसे गुड़ की डले मुँह में डालते हैं, खाते हैं, चुपलाते हैं, उसी प्रकार से अम्मा शब्द को हमेशा बोलता रहता। अम्मा अब्बू बाजी अर्थात जो इतने घर में बोला जाता, अब्बू पिताजी को बोलते हैं, अम्मा माँ को बोलते हैं, बाजी बहन को बोलते हैं, वह शब्द उसके मुँह में आ गया। फिर एक दिन गजब हो गया, क्या गजब हो गया, एक दिन घर पे बोल दिया उसने, एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर ध्रुव नारायण शुक्ला जिनका नाम था नीले तेल वाले, उसके पिताजी का नाम था, इसका नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला और पिताजी का नाम था भृगु नारायण शुक्ला, नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। अर्थात वहां भी क्या नाम है, जिससे जमाना जा बदल रहा है, समय बदल रहा है, समय के अनुसार चीजें बदल रही है, भाषाएं बदल रही है, यानी खाना मेज उसी पर होता था, अर्थात सब नीचे बैठ के नहीं, पुराने जमाने पीछे बैठ के आलती पालती बैठ के सब एक साथ खाते थे, अब क्या नाम से मेज कुर्सी पर खाना शुरू हो गया। लगती तो थालियां ही थी, अर्थात मेज कुर्सी पर भी थालियां से खाना सजाया जाता था, परंतु चौके पर नहीं, अब थालियां जो क्या नाम से मेज पर सजाया जाती थी और मेज पर बैठ कर ही सभी लोग खाना खाते। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा, बैंगन का भुर्ता बना हुआ घर पे और उसे अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगता है। राम दुलारे खाना परोस रही थी, टोपी ने कहा, क्या कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता, अर्थात वहां पर अम्मी शब्द उसने प्रयोग कर दिया, अम्मी शब्द से तूफान आ गया कि अम्मी तो क्या नाम से मुस्लिम इस्लाम धर्म इस्लाम धर्म बोलने वाले तो माता जी बोलते हैं, ये कहाँ सीख के आया। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुके, मतलब खाते ऐसे रुके, सबने खाना शुरू किया, इसे उसने अम्मी बोला, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता है, अम्मी अम्मा अम्मा राम जी, तो ये बोला तो बोलते ही सबके हाथ रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जितने भी सब टोपी को देखने लगे कि क्या बोल रहा है, क्या भाषा का प्रयोग कर रहा है। अम्मी ये शब्द इस घर में कैसे आया, अर्थात ये अम्मी जो भाषा है इस्लाम की भाषा है, मुस्लिम में जो लोग बोलते हैं, इस घर में कैसे आया, कहाँ से क्या आया। अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी, अर्थात हमारे यहाँ तो अम्मी बोलते नहीं है, हमारे यहाँ तो अम्मी सब कहते नहीं, हमारे यहाँ तो माता कहते हैं, अर्थात इस प्रकार की जो परंपराएं हैं उनकी दीवारें डोलने लगी। ये लफ्ज लगता शब्द, लफ बोलते हैं शब्द, ये शब्द तुमने कहाँ सीखा, सुभद्रा देवी ने सवाल किया, उसकी दादी ने पूछा कि ये इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द तुमने कहाँ सीखा, है लगता है प्रज्ञा सीखा उसने। तो लब टोपी ने आंख बचाई, अर्थात टोपी ने आंखें घुमाई इधर उधर, लब्ज का होता है माँ, अर्थात उसने पूछा कि माई लब्ज इसको कहते हैं, फिर लब्ज बोल रही, लब्ज भी उर्दू का शब्द है और क्या नाम जम्मी भी उर्दू का शब्द है, तो लब्ज क्या है, लब्ज क्या किसको कहते हैं, ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया। दादी गढ़ी, दादी जोर से बोली, बोल बता ये अम्मी तेने कहाँ सीखी, कौन सिखाया, कहाँ सीख के आया, ये हम इप्पन से सीखा है, अर्थात ये हमने इप्पन के घर पे सीखा है, ये वहाँ माँ को अम्मी बोलते हैं, उसका पूरा नाम क्या है, इप्पन कौन है, इप्पन का पूरा नाम उसको पता नहीं था, और पता भी होता था उसे सीधा बोल नहीं पाता था, इसलिए इप्पन कौन है, उसका पूरा नाम क्या है, ये हम ना जानते, अर्थात हमको पता नहीं है इप्पन कौन है क्या है, लेकिन इप्पन है, हमारा दोस्त है, हमारा प्रिय दोस्त है, हमारा जीवित दोस्त है।
ते कौनो मिया के लड़का से दोस्ती कर लिए ले भाई का रे कहता है भाई तूने कौन सी मियाँ मोहन मुस्लिम के बच्चे से दोस्ती कर ली है। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई अर्थात उसके हृदय और उसकी आत्मा जो झगड़ हो गई अंदर से ये सब छाया तो कैसे आया इस घर के अंदर कैसे सीखा देने कहा किसके साथ रह रहा है तू है। बहु तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गवानों की जवान में बोला करो अर्थात अपनी बहू को उसकी अम्मी को बोले कि बहू मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इस प्रकार की जो गवारों की जो भाषा है इसका प्रयोग मेरे सामने मत किया करो। दादी जोर से बोल रही है राम दुलारी देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी अर्थात बेटे का गुस्सा उसकी बहू पर निकाला लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे इसलिए जब डॉक्टर प्रभु नारायण जी ने तेल वाले को ये पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है तो वह अपना गुस्सा पी गए अर्थात कहाँ सीखा कलेक्टर साहब के बच्चे के जाता आ रहा है उससे दोस्ती हो गई तो बड़े आदमी है कलेक्टर तो पूरा जिले का मालिक होता है कई काम पड़ते हैं है? अर्थात थोड़ा सा स्वार्थ उनको लगा कि हाँ ठीक अच्छा है तो वो सारे गुस्से को पी गए कोई बात नहीं है ना। और तीसरे दिन कपड़े उसे करके परमिट लिया है और अपना काम निकाल लिया उन्होंने बेटे के दोस्ती के माध्यम से डॉक्टर साहब से क्या नाम से जो पेट परमिट मिलता है शक्कर और क्या नाम से कपड़े का वो उन्होंने डॉक्टर साहब से करवा लिया। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बड़ी है दुर्गति पिटाई यानी बुरी हालत से सुभद्रा देवी को उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलार ने टोपी को फिर बहुत मारा आइंदा बोलना मत आइंदा सीखे इसलिए भाषा का प्रयोग मत करना ते फिर देवी ओखरा घरे अर्थात तू उसकी घर में जाएगा अब कभी जाएगा नहीं है। हाँ अरे तेरा हाँ मैं लुकरा आगे माटी मिलाऊ अर्थात तेरे इसमें मिट्टी में मिलाऊ है। राम दुलारी मारते मारे थके बहुत मारा टोपी को बहुत पिटाई की बहुत मारा यानी कि वो पिटता रहा और थके इतने इतनी पिटाई की उसकी परंतु टोपी ने ये नहीं कहा कि वो ये फनी कर नहीं जाएगा और अंदर थक गई लेकिन ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊं जाएगा परंतु टोपी ने ये नहीं कहा कि वो इतन घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू बड़ा भाई था उसका और भैरव छोटा भाई कुटाई का तमाशा था देख रहे थे जो पिटाई हो रही थी वो देख रहे अच्छा वो भी उनकी पटती नहीं थी बड़े भाई की मुन्नी बाबू की और भैरव का सुना भैरव दोनों कैसी पटती थी और ये अलग था तो वो उसकी पिटाई देखते रहे उसकी मार पीट के रहे। हम एक दिन एक और रहीम कबाब जी की दुकान पर कबाब खाते देखा रहीम कबाब जी कबाब जो था कबाब बनाने वाला तो देख रहा मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया है बोला मुन्नी बाबू ने कहा कबाब राम 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 है हम हिंदू हैं मुस्लिम ब्राह्मण है और कबाब कैसी बात कर रहा है। राम दुलारी घिन्ना के दो कदम पीछे हट गई है ऐसे कहते वो पीछे हो गया वहां से टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा है क्योंकि असलियत ये थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाने देख लिया था अर्थात मुन्नी बाबू कबाब खाना था और वो कबाब खाते हुए टोपी ने देख लिया था उसको और मुन्नी बाबू ने उसे एक ही करने की दी थी। मुन्नी बाबू ने कहा दी एक ले ले खा लेना पीना लेकिन किसी को बता रहा हूँ मैं कबाब खा रहा हूँ अपनी जो गलती है अपनी जो ओके करने के लिए कि तू किससे कहेगा नहीं किसी को बताएगा नहीं कि मुन्नी बाबू इस प्रकार से वहाँ पर कबाब की दुकान पर कबाब खा रहा है। टोपी को ये मालूम था मालूम था उसको परंतु चुगलखोर नहीं था चुगली नहीं करता था लेकिन जब अब आपत आ पड़ी उसकी मम्मी उसको मारी तुम्हारे देख रहे तो बोलना पड़ा उसको। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफन के सिवा किसी और को नहीं बताई थी अर्थात इफन ने टोपी ने ये बातों के लिए इफन को बता था इफन के अलावा किसी को नहीं बता था चुगल खोल भी नहीं था तो इफन को जरूर याद थी लेकिन वो किसको याद नहीं थी। तू हमें कबाब खाते देख रही है ना देख रहा और दिन मुन्नी बाबू ने कहा कि तूने हमको कब कबाब खाते देखा कब खाया हमने ना देखा है हम नहीं देखा तुमने इस प्रकार से मुन्नी बाबू ने उसको करके कहा कि तुमने अपने कबाब नहीं देखा
तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया जब हम उस दिन कहना आज बता रहे हो, कोई बात नहीं है तो उस दिन के लिए बताया तुमने, आज क्यों बता रहे हो। सुभद्रा देवी ने सवाल किया, सुभद्रा देवी ने पूछा उससे, झूठा है दादी टोपी ने कहा, आता है झूठ बोलता है टोपी ने, इस प्रकार से दादी कोई बात नहीं। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा, पिटाई हो गई, पिटाई खाली, उदास रहना स्वाभाविक है इसी। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वो इतना बड़ा कभी नहीं हो सका, अर्थात वो झूठ और सच में ज्यादा फर्क पड़ता, समझता नहीं था, झूठ बोलता नहीं था वो, फिर लागे बात ये थी। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदल था, अर्थात सबने पीटा उसको, ज्यादा मम्मी ने पीटा, अम्मा ने पीटा उसको, माँ ने पीटा, तो उसका बहुत दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा था कि अगर एक दिन के वास्ते वो मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, लेकिन बड़ा है तो बड़ा जहाँ भी नहीं उठा सकता, बड़ा जो खेल नहीं सकता, लेकिन उस दिमाग में आएगी एक दिन भी अगर मैं बड़ा होता तो फिर मुन्नी क्या करता है, इस प्रकार की बात सोच रहा था। और परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं, ईश्वर की देन है, कौन बड़ा पहले होगा कौन बाद में होगा, बड़ा छोटा होगा, वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था उसे छोटा ही रह गया, मुन्नी बाबू के बाद उसका जन्म हुआ था और जन्म हुआ तो बाद में हुआ तो छोटा ही बना रहेगा उसे। दूसरे दिन हुआ जब स्कूल में एक पन से मिला, दूसरे दिन वापस गया स्कूल गया तो उसने उसे सारी बातें बता दी, अपने घर की सारी बात मेरे मुँह से अम्मी निकला, दादी ने गुस्सा किया सुभद्रा देवी ने, और अम्मी को भी डांटा और अम्मी ने फिर मुझे डांटा मेरी पिटाई की, इस प्रकार जो घर में उसका जो घटना घटी उस सभी घटना का वर्णन उसने वहां पर कर दिया। दोनों जुग्राफिया, जुग्राफिया होता है क्या बोलते हैं भूगोल शास्त्र, जुग्राफिया क्या घंटा छोड़ से रख गए पढ़ाई करके और वहां से निकल गए। पंचम की दुकान से ये पन्ने केले खरीदे, अर्थात तो पंचम नाम का व्यक्ति होगा जो केले बेचता होगा, वहां गए और वहां से पन्ने कुछ केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किस चीज को हाथ में लगाता था, ऐसा ना हो सकता का ही हम लोग दादी बदल ले, क्या बोला उसने, क्या ऐसा नहीं सकता कि हम अपनी दादी बदल ले, मेरी दादी तुम रख लो तुम्हारी दादी मुझे दे दो, टोपी ने कहा, टोपी ने क्या कहा अपन को, ये ऐसा नहीं हो सकता का ऐसा ना हो सकता सका ताकि हम लोग दादी बदल लें, होता नहीं था लेकिन वो बच्चा है भावना है उसमें, तो भावना वही कहता है कि या मेरी दादी तुम रख लो तुम्हारी दादी मुझे दे दो, टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमारे घर आ जाए और हमारी तोहरे घर चले जाए, कि हमारी दादी तुम्हारे घर चले जाए और तुम्हारी दादी हमारे घर आ जाए। हमारी दादी तो बोलिया तो ही लोगों को बोलती, हमारी हमें दादी तो बोलियो तू ही लोगों को बोलती, ये नहीं हो सकता ऐसा, तुम हमारी दादी को बोलना है कि नहीं बोलना नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इफन ने कहा तो बोला अबू ये बात नहीं मानेगा, अर्थात अब हमें दादी बदलने के लिए तैयार नहीं होगी, अबू मेरी दादी है लेकिन वो अबू की भी तो माँ है और मुझे कहानी कौन सुनाएगा, रात को मुझे जब कहानी सुनाते हैं मुझे कहानी कौन सुनाएगा, इसलिए दादी हम नहीं बदल सकते। तुम्हारी दादी को बाहर मुझे कहानी आती है, मेरी दादी को तो बाहर आप मुझे लीला और क्या नाम दे इसलिए कहानी आती है, क्या तुम्हारी दादी को भी कहानी आती है जानती है, तू हमें एक ठो दादिया न दे सकते है, एक तो तुम दादी नहीं दे सकते हो है। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी है, टोपी ने जो इस तरह की बात सुनी उसका दिल थोड़ा उदास हो गया, निराश हो गया, जो मेरी दादी है वो मेरे अबू की अम्मा भी तो है। टिफन ने कहा जो मेरी दादी है वो दादी मेरे अबू की अम्मा भी तो है, अम्मा के लिए अबू से पूछना जरूरी है और अबू कभी तैयार नहीं होंगे दादी को बदलने के लिए। हाँ तो फिक्र न करो, उसने कहा इफन ने कहा तो फिक्र न करो, इफन ने कहा मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग बन जाते हैं,
मेरी दादी कहा करती है कि बूढ़े होते हैं वो मर जाते हैं, मर जाएंगे सब मरेंगे, तो तकलीफ क्या करेंगे, हमारी दादी ना मरी है, तो कहती नहीं हमारी दादी मरेगी नहीं, मरेगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है, दादी तो बोलती है कि बूढ़े होते हैं बेटा वो सब मर जाते हैं है? तो उनको भी मरना है, तो मेरी दादी इस पर झूठ नहीं बोलती है। ठीक उसी वक्त नौकर आया, देखो क्या होता है, घर से नौकर आया और पता चला कि अपनी दादी मर गई हो, और उसने आकर के वहाँ बोला स्कूल में कि पन तुम्हारी दादी और दादी मर गई, इफन चला गया, दादी मर गई तो घर जाना जरूरी था, इफन घर चला गया, टोपी अकेला रह गया, टोपी बेचारा वहां पर अकेला रह गया, वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया, जिम्नेजियम क्या होता है पैसा दौरा करते हैं वहां पर पैसे लेके वो करते हैं नाम से वर्जिश, वहां चला गया। बूढ़ा चपरासी एक बेटा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वो इफन घर गया, वहां सन्नाटा था, जाता था तब उस दिन भी गया, शाम को गया तो जिस घर में मौत जाती है मृत्यु जाती किसी की तो घर में सन्नाटा जाता है, सन्नाटा था वहां पर। घर भरा हुआ था, लोग आते हैं जाते हैं बैठने वाले शोक संतप्त में परिवार को शोक में संवेदना हासिल करने के लिए, और जितने लोग हुआ करते उससे ज्यादा ही लोग था, लोग जितने वहाँ पर प्रसाद मिलते भी आते थे, लेकिन उनसे नीचे माँ खत्म हुई और उसमें शहर के लोग वहाँ पर मिलने आए, तो उससे ज्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लेकर खाली हो गया हो चुका था। दादी ही उस घर के अंदर ज्यादा प्यार करती थी प्रेम करती थी, और दादी नहीं रहने से टोपी का पूरा घर खाली हो गया, जबकि उसे दादी का नाम नहीं पता था कि दादी का नाम क्या है, दादी चली गई है, लेकिन उसको बड़ा दुख हुआ। उसने दादी के हजार कहने के बाद भी उनके हाथ की वो चीज नहीं खाई थी, प्रेम इन बातों को पाबंद नहीं होता, टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था, इफन के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे, वो भी परंपरावादी थे और मौलवी थे, तो एक पीछे जी को नहीं समझ पाते जो कह रहा से टोपी और दादी के लिए चल रहा था। जैसे टोपी के घर से पाए दोनों अलग अलग अधूरे थे, दोनों ही अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया, दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी, दोनों अपने घरों में अजनबी और भले घर में अकेले थे, दोनों ने एक दूसरे का अकेला पर मिटा दिया था, इतनी दादी अकेले थी उधर जो अकेला था पड़ गया बेचारा है, दोनों मिलते आपस में बातें करते दोनों का अकेलापन दूर हो गया था, एक 72 बरस की तो दूसरा 8 साल का था, एक 72 ईयर 72 साल की दादी है और एक 8 साल का बच्चा है, जिनका प्रेम अभाग प्रेम है, तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती ठीक बया होता, क्या बोला होता कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो अच्छा होता, पर दादी से अपने परिवार के सदस्य उससे भी अगर हम बच्चों को जो प्यार नहीं करते हैं मोहब्बत नहीं करते हैं तो बच्चे किस प्रकार से हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे परिवार के लोगों के बारे में सोचते हैं, ऐसा सोचा, क्या सोचा कि तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक बया होता है, तुम्हारी दादी मरी है उसकी जगह मेरी दादी मर जाती तो अच्छा होता बढ़िया होता। टोपी ने इफन को कोसा दिया, टोपी ने इस प्रकार से शांत करवा दिया, वो क्या कह सकता है कैसे कहता है वो बेचारा, कोसा मतलब होता है शांत करा देना। इफन ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था, दोनों बहुत चुपचाप रोने लगे, अर्थात दोनों आंसू आ गए और रोने लगे, क्या बातें करें क्या ज्ञान था नहीं उनको मौत प्रण के बारे में, किस प्रकार से शांत देते किस प्रकार से कोसा देते वो, तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर की बात है सन 45 को कसम खाई कि वह वो किसी से ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदले जाती है, क्योंकि 10 अक्टूबर के दिन इफन के पिताजी का ट्रांसफर उस शहर से हो गया था, तो ऐसे लोगों जिनका क्या नाम से पिताजी का ट्रांसफर होता हो बदली होती हो ऐसे लोगों से वो
दोस्ती कभी नहीं करेगा, इस प्रकार की उसने कसम खाई। 10 अक्टूबर सन 1945 का युग को कोई महत्व नहीं, युग में आते हैं जाते हैं निकलते हैं, लेकिन टोपे के युग बड़ा महत्व है। परंतु टोपे के आत्मविश्वास में, आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इप्पन के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। अर्थात इस तारीख को इप्पन के पिताजी की जो बदली है, ट्रांसफर है, स्थानांतरण है, वो वहाँ से मुरादाबाद हो गया था, वहाँ चले गए। इप्पन की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद ये तबादला हुआ था। अर्थात इप्पन की दादी खत्म हुए, तो खत्म होने के पश्चात ही उनका तबादला बदली स्थानांतरण वहाँ से हो गया था। इसलिए टोपी अकेला हो गया था, टोपी अकेला पड़ गया, क्योंकि दूसरे लड़के ठाकुर हरि नाम सिंह के तीन लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका था उस घर में। तो सहयोग की बात थी कि इप्पन वहाँ क्लास में मिला, एक क्लास में पढ़ते थे, दोस्ती हो गई, लेकिन जो नए लड़कों था वाई जिनका नाम था हरि नाम सिंह जी, तो तीन लड़के थे और तीन लड़कों में से भी में से किसी भी लड़के से उसकी दोस्ती नहीं हुई। डब्बू बहुत छोटा था, डब्बू क्लब साहब का बच्चा था, उनका नए क्लब साहब जो आए जिनका नाम था हरि नाम सिंह जी। हरि नाम सिंह का जो लड़का था बीनू बहुत बड़ा था, बीनू सबसे बड़ा था, और गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था, अंग्रेजी बोलने वाले थे बच्चे। बोलने वाले थे तो किसी से भी उसकी दोस्ती नहीं हो पाई, वो अंग्रेजी ज्यादा बोलता था। और ये बात भी थी कि उन तीनों का इसका एहसास था, एहसास मतलब अनुभूति थी कि वे कलेक्टर के बेटे हैं, कलेक्टर का बेटा है तो बड़ा पावरफुल होता है, जिले के अंदर मुखिया होता है, तो उसके बेटे होना उसका थोड़ा अहम उनको था। और किसी ने टोपे को मुंह नहीं लगाया, किसी टोपे से दोस्ती नहीं की, सुखाटा नहीं है, तैयार नहीं हुआ। माली और चपरासी टोपे को पहचानते थे, माली वहाँ का जो वो टोपे को जानता था, टोपे को काम का घर आना जाना था, इसलिए वो बंगले में चला गया, सीधा बंगले में घुस गया। बिल्लू गुड्डू और डब्बू उसमें क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलते ही बच्चे वहाँ ग्राउंड के अंदर पार्क के अंदर बिल्लू खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सी टोपे के मुंह पर आई, उसने आराम से बॉल मारी, बॉल की आराम से टोपे के सिर पर आई, उसने घबरा कर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई। हाउस दैट अंग्रेजी बोलता था, हाउस ये क्या है, हेड माली एम्पायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देना चाहिए। डब्बू ने सवाल किया, कौन है तुम, आप कौन हो, पूछा उसने। उसने जवाब दिया, बलभद्र नारायण। टोपे ने जवाब दिया, मेरा नाम बलभद्र नारायण है टोपे। हु इज योर फादर, तुम्हारे फादर कौन है, ये सवाल डब्बू ने किया। उसने भाई ने पूछा, योर फादर, उनका नाम है भृगु नारायण। ए बीरू ने एम्पायर को आवाज दी, भृगु नारायण कौन है, ए ने आप आवर चपरासी, क्या हमारा कोई दूसरा चपरासी है जिसको नाम भृगु नारायण है। नहीं साहब, अंपायर ने कहा, नहीं साहब को चपरासी नहीं, शहर के मशहूर डॉक्टर है, इस शहर के फेमस डॉक्टर है वो भृगु नारायण जी। ये मेन डॉक्टर मान तुम्हारा मतलब डॉक्टर है, डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माले को इतनी अंग्रेज आ गई थी, समझ गया था कि यस सर और क्या नाम से जो भी कुछ गिने चुने शब्द जानता था। यस सर, बट ही लुक सो क्लच में बिलू बोला कि बड़ा अच्छा बच्चा है, क्लच में लग रहा है, मतलब हंस मजाक वाला लग रहा है। ए टॉपी कट गया, उसने जैसे कहा कि इस तरह से मेरे बारे में बात कर रहा है, तो तनी जबनिया समान की बोलो, अपनी जुबान को समान की बोलो, ये में क्या बोल रहे हो तुम, ये इस तरह की भाषा बात का प्रयोग नहीं करते। एक लपड़ में नीचे लगी हो, आओ यू ऐसे ऐसे कहा, एक लपड़ में गिर जाओगे, आओ यू मेरे पर, इस प्रकार की बात कर रहा है, लपड़ी बात कर रहा है। बिलू ने हाथ चला दिया, बिलू ने ऊपर हाथ मारा, टोपी लुढ़क गया, फिर वो गालियां बरता हुआ उठा और हेड माले बीच पे आ गया। डब्बू ने अपनी अलसी से सुकार दिया, छोटा सुकार दिया, छोड़ दिया उसको, मूल सब होता है क्या नाम से सुस्कार, कुत्ते को किसी के पीछे लगा दिया जो उसकी आवाज होती है, उसको तो वो छोड़ दिया। पेट में 7 सुइयां भूखे तो टोपे के होश ठिकाने आएंगे,
किसी ने काटा तो उसमें पेट में क्या नाम कुत्ते काटे तो पेट में ही चलाया जाता था, सांस में आने लगी और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख किया, कभी वो कलेक्टर साहब के बंगले की ओर नहीं गया। परंतु प्रश्न ये खड़ा हो गया कि फिर आखिर वो करे क्या है? घर में ले लेकर बुरी नौकरानी सीता थी जो उसका दूसरा समस्या थी, घर में कोई उसको प्यार नहीं करते थे, दादी नाराज थी, अम्मी को फुर्सत नहीं थी, पिताजी को फुर्सत नहीं, मुन्नी बाबू बेरो फुर्सत नहीं थी, जो एक नौकरानी थी वो क्या नाम उसे प्यार करती थी, तो उसी के पल में चला गया और सीता के चरण जाने के बाद उसकी आत्मा को भी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे, इसे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक मत त्याग करो बाबू, उसने कहा कि जिद्दी मत त्याग करो बाबू, एक राज मुन्नी बाबू बेरू का दाज, दाज होता है मूल सब बराबरी करने पर वो बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरे में ले जाकर समझाना शुरू किया, ये मत बहस त्याग करो, मत लड़ा करो। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया था, बेरों के लिए भी नया कोट बन गया था, टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला है, कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, मुन्नी पसंद नहीं है मुझे ये कोट नहीं पहनना, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, तैयार तो उसके लिए हुआ था तो उतरन टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी के बेटे को दे दिया, वह खुश हो गया, नौकरानी के बच्चे को दे दी, जाने वाले की वापस को ली जा सकती थी, इससे तय हुआ कि टोपी जला खाए, टोपी मतलब ठंड खाया था, जब इसको कोट दिया और कोट इसने उसको दे दिया तो ठंड में रहेगा, हम जाड़ा वाड़ा में खाएंगे भात खाएंगे, टोपी ने कहा जला नहीं खाएंगे, खाने मतलब है ना है, हम तो भात खाएंगे चावल खाएंगे, तुम जूते खाओगे, सुंदर ने बोली कि तुम भाड़ा भी नहीं खाओगे भात नहीं खाओगे, तुम सीधे जूते पड़ेंगे जूता खाओगे, आपको ये होना मालूम कि जूता खाया नहीं जाता पहना जाता है, आपको पता नहीं कि जूते को खाया नहीं जाता जूता तो पहना जाता है, दादी से बदतमीजी करते हो, जैसे बोला बात किया तो क्या दादी से तुम बदतमीजी कर रहे हो, मुन्नी बाबू ने बिल्कुल कहा ते का हम पूजा करें क्या हम पूजा करें, फिर कहता दादी ने आसमान से उठा लिया, राम दुलाज ने से पीटना शुरू किया, फिर मम्मी आ गई बीच में, मम्मी ने फिर उसको क्या नाम बोलो पीटना पिटाई करना उसकी शुरू कर दी, तू दसवां में पहुंच गैर बार था, तुम दसवीं क्लास में पहुंचने वाले हो, सीता ने कहा तू ही दादी से डर रहा हो, मतलब तुम दादी से इवाल लड़ाना है डर रहा उधर बड़बड़ करना, मत क्या करो के तय ना चाहे नहीं करना चाहिए तुमको, कि ना तो हाँ दादी बढ़िया था, तुम जानते नहीं हो कि दादी तुमसे बड़ी है उम्र में, सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वो दसवीं पहुंच गया, परंतु ये बात इतनी आसान नहीं थी, दसवीं पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े, दो साल तो फेल ही हुआ, नवी में तो 89 में पहुंच गया था, परंतु दसवीं में वो सन 52 में पहुंचे, 3 साल में उसको एक क्लास में लगे उसने, जब वो पहली बार फेल हुआ तो मम्मी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आया, जो बड़ा भाई था वो 12 कक्षा में फर्स्ट क्लास पास हुआ और भैरव छठी क्लास में भी पास हुआ छोटा वाला, सारे घर में जब उसे जवान की नौकर रख दिया है कि देखो पढ़ता नहीं है बहुत नफर है यू है वह करते ये बात है, बहुत रोया, बात ये नहीं थी कि वह गाउदी होता है कि बहुत बुद्धू था, वह काफी तेज था पर उसे कोई पढ़ने नहीं देता था, जब वह पढ़ने बैठा तो मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता, रामदार कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ी जाती जो लोगों से नहीं मंगवाई जा सकती थी, वह ये सब न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज बना रहे थे, कोई ना कोई कुछ उसके जीवन में मतलब उसकी पढ़ाई में बाधा डालते थे, दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया बीमारी हुई क्या, तीसरे साल वो थर्ड डिवीजन पास हो गया, वो थर्ड डिवीजन कलंक के टिकट रहे उसके माथे पर चिपक गया, परंतु हमें उसकी मुश्किलों का भी ध्यान रखना चाहिए, सन 49 में वह साथियों के साथ था, वो फेल हो गया, साथी आगे निकल गए वह रह गया, सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8 में थे, होता ही फेल हो जाएगा किसी वाले साथ में आएंगे तो पढ़ेंगे साथ बैठ के, पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था, आज पीछे वाले आए छोटी क्लास वाले के साथ पढ़ना पड़े बैठना पड़े तो अच्छी बात नहीं है, उसके दोस्त दसवीं में थे उसके साथ जो पढ़ रहे थे वो 10th क्लास में चले गए, वह उन्हीं से मिलता उन्हीं के साथ खेलता, अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी,
जब वो भी क्लास में बैठता उसे अपना बेटा ये बैठता होता है, किसी क्लास में छोटी क्लास में बैठेगा, दूसरे बच्चों के साथ बैठेगा, उसे बैठेगा उसी क्लास में बच्चे ट्रेन में चले गए। हालांकि वहाँ खेलना कूदना मिसाल होता, एक क्लास में तो छोटे बच्चों के साथ ही बैठना पड़ता होगा। उस पर सितम अत्याचार ये हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझा दे तो उसकी मिसाल देते हैं। होता है क्लास में कोई बच्चा होगा चलता दो साल तीन साल पढ़ा हो फेल होता है और पिछले बच्चे हाथ बैठता तो मास्टर जी उदाहरण देते मिसाल देते क्या मतलब है राम शाम होता या मोहम्मद अली जो बच्चे बैठते हैं नाम पढ़ते हो बलभद्र की तरह तुम्हें इस रेम टिक रहना चाहते हो क्या, इस प्रकार बलभद्र तीन साल तुम इस क्लास में बैठा हुआ है क्या तुम किसी क्लास में बैठना चाहते हो। ये सुनकर सारा दर्जाम पढ़ता पूरी क्लास हंस जाती। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल आठ महीने जो पिछले एग्जाम में पढ़ते थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को जेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे नवे दर्जे में ही बैठना पड़ा तो बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंगा हो गया है, पिंड हो गया लोगों के, क्योंकि अब तो दसवें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया। आठवीं वाले दसवीं में थे, सातवीं वाले उसके साथ थे, उसके बीच वो अच्छा खासा बुरा दिखने लग गया था। थोड़ा बहुत वह अपने पूरे पूरे घर को ही यही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था, घर में तो अकेला था ही, अकेला हो गया था, तालाब का चलाया गया था और स्कूल में अकेला हो गया। वो मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बंद कर दिया, मास्टर उसके बारे में पूछताछ नहीं करते, ज्यादा ध्यान देते नहीं थे। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वो भी हाथ उठाता था, कोई मास्टर से जवाब नहीं पूछता, बेटा ठीक है चाहता था जवाब, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, इंग्लिश के मास्टर जी ने क्या कहा, तीन बरस से किताब पढ़ रहे हो तुम्हें तो सारे जवाब जवानी याद हो गए हैं। उसको कमेंट किया उसके बाद व्यंग किया उस पर कि तुम तीन साल से पढ़ रहे हो और तीन साल से पढ़ रहे हो तुम तो सारे शब्द याद होंगे, उसको तुमको तो याद होगा, तुमसे क्या पूछना। तीन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल इम्तहान दे रहा है, तुमसे 12 साल पीछे लूंगा। हाँ उससे बात व्यंग करते उसके ऊपर तो भी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली जोड़ दी। और जब वो तमाम बच्चे खिलाफ हंस पड़े तो बिल्कुल मर गया बेचारा, कोई हंसी मजाक बनाए किसी में फिर क्या होता, तो ये होता है। और तमाम बच्चे मर गए। जब वह पहली बार नौ में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेज में और तीन मारा कि टोपी बिल्कुल भी बना था। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सबुद्दीन का बेटा था। वह नीले तेल वाले का था, ये लाल तेल वाले का था। उसने कहा, बलभद्र अबे तो हम लोगों ने कहा गुस्सा है क्यों हमारे साथ आता है, बैठता गुस्सा है, एडल्ट वालों से दोस्ती कर, एट क्लास वालों से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे बाकी तुम्हें तो उन सभी के साथ तो ही रह गो ही है, अगर तुमको तो उनके साथ बैठना है उसके उनसे दोस्ती कर कोई तरह दोस्त बनेंगे। ये बात टोपी के दिल की आर पार हो गई है और उसे कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का अभाव उसे पास होना है, परंतु बीच में चुनाव आ गए, डॉक्टर पर नारायण तेल वाले चुनाव खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लड़ा खड़ा हो गया हो तो कोई कैसे पर दिख सकता है। अब तो डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में रात नाटा हुआ, जब डॉक्टर साहब हार गए चुनाव को तब मां घर में सन्नाटा हो गया और तो फिर देखा कि इम्तिहान से पढ़ाई शुरू की उसने, वो पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है, इसलिए उसका पास हो जाना ही बहुत था। वाह दादी बोली, भगवान नजरे बंद है गुजरे पूरी नजर वाले बचाए इनको, रफ्तार अच्छी है, तीसरे पर तीस दर्जे में पास हो गए था, तीसरे साल में एक क्लास में तीसरे तीस क्लास में पास हो गए। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही काफी है, कल परसों इसको प्रश्न उगा देखिए, आज यही बंद करते हैं।